एक विधायक को जनसंपर्क के दौरान चप्पलों की माला पहनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। कैमरा 24 पर देखिए इस वायरल वीडियो की पूरी पड़ताल। दरअसल यह वीडियो उज्जैन जिले के नागदा से वर्तमान विधायक दिलीप सिंह शेखावत का है, जिनको एक युवक ने जनसंपर्क के दौरान चप्पलों की माला पहनाई। पूरी जानकारी से रूबरू होने से पहले सबसे पहले सुनिए कि इस मामले में विधायक दिलीप सिंह शेखावत का क्या कहना है। खेड़ावदा में जैसा मेरा रोज का जनसंपर्क का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के साथ मैं खेड़ावदा गया। खेड़ावदा में लगभग 200-300 लोग मेरे साथ जनसंपर्क के अंदर थे, और सामान्यतः जैसा मेरा एक स्वभाव रहता है कि मैं मतदाताओं के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद देता हूँ, वहाँ भीड़ के अंदर खड़े थे और मैं जब पांव छूने के लिए झुका तो उसमें एक लड़के ने जो जूते की माला थी वो पहनाने का प्रयास करा, उन्होंने माला पहनी। न मैं उसको जानता हूँ, न वो कभी मेरे पास में आया। ये भी पता लगा है कि 15-20 मिनट बाद में वहां पर कांग्रेस की गाड़ी भी चली गई 10-12-15 मिनट के अंदर। दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि यह एक षड्यंत्र है और इस घटना के 15 मिनट के अंदर वहां कांग्रेस की गाड़ी पहुंचने के साथ ही पूरी मीडिया से फोन आने लगे। दिलीप सिंह शेखावत ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही एक ग्राम भ्रमण के दौरान नशे में धुत व्यक्ति ने भी गाड़ी पर पथराव करने का प्रयास किया था, उसे गाली गुप्ता करके वहां से भगा दिया उनके कर्मचारियों ने। इसलिए कब काम किसने भगाया वहां शेखावत जी के पास वो गया था आई के लिए इंद्रावास के लिए इंद्रावास पहले की घटना है। कब की घटना है? अब ये घटना है कुछ लंबे समय की है, तो पहले गया था तो उसके दिल पर बात बैठ गई कि मुझे गाली गुप्ता किया, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। इसलिए जैसे ही उसने गले में हार वो डाला चप्पल का हार, तो उन्होंने चांटा मार दिया और मारने को खड़े हो गए सब और मारा। अभी मेरा भाई मुझे कोई पता नहीं है, लापता है रात का। रात से लापता? हाँ। शिकायत वगैरह कुछ की है क्या कहीं? आपने रिपोर्ट वगैरह लगी? कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं की। और मुझे वहाँ थाने में बुला रहे तो मैं जाने को कर रहा था, ऊपर वो बोल रहे हैं पुलिस वाले हमारे साथ, वो बोल रहे कि वो तुम्हारे बड़े भैया को लेकर आना यार, कि अकेले आके क्या करो। चप्पलों की माला पहनाने वाले युवक के छोटे भाई ने बताया कि उनकी माँ को इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला था, जिसके कारण युवक कई दिनों पहले विधायक के पास शिकायत लेकर भी पहुंचा था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ अभद्रता कर उसे वहां से भगा दिया था, जिसके बाद बदले की भावना से मांगीलाल नामक युवक ने यह कृत्य किया। फिलहाल विधायक को चप्पलों की माला पहनाने वाले युवक मांगीलाल की तलाश जारी है, जो कि अभी फरार चल रहा है।